सीबीएसई संस्कृत प्रथम पाठ सूची पर्यावरण, इसका यह दूसरा श्लोक है इस पाठ का, जिसका सारांश और श्लोक का में पठन जो पाठन जो शक्ति है वह इस तरह की है कि कजल मलिनम धूम मुंचति सकटयानम वास्ताय अनाल माला संभावती वितंति ध्वानम यानाम पंक्तयो हेलंता कहनम संसरम। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि सैकड़ों गाड़ियां वो चलती हैं जो कासल की तरह धुआं छोड़ती है, गाड़ियां जो है वह कोलाहल करते हुए दौड़ती है, हजार मोटरयान की पंक्तियां जो है अनंत है, जिससे सड़क पर चलना भी कठिन हो गया है। इसी श्लोक का अन्वय जो है, इसका आधार ये है कि सकटियानम कजल मलिनम धूम मुंचति ध्वान वितरन्ति वाष्पाय माला संभावती यानाम पंक्तयः हि अनंता संसरणम् अपि कठिनम् अस्ति। अर्थात अन्वय के आधार पर इसका अर्थ ये हुआ कि सैकड़ों गाड़ियां सब सकटियानम, सब होता है सैकड़ों, सकट होता है गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां जो है कजल मलिनम धुआं मुंचति यानी कासल की तरह जो है वह धुआं छोड़ रही है, ध्वानम वितरंती वाष्पायन माला संभावती और कोलाहल करती हुई रेलगाड़ियां जो है दौड़ती है, यानाम पंक्तयः यानाम अर्थात वाहनों की पंक्तियां अनंत है, संसरणम अपि कठिनम अस्ति, इसलिए सड़क पर भी चलना हम लोगों को मुश्किल हो गया है, सड़क पर भी चलना कठिन हो गया है। अतः इस श्लोक का सामान्य छोटा सा अर्थ यही हुआ कि सैकड़ों गाड़ियां रोज चल रही हैं, धुआं छोड़ रही हैं, रेलगाड़ियां कोलाहल करती हुई दौड़ती हैं, वाहनों की पंक्तियां अनंत है, हम लोगों को चलना भी मुश्किल है। ये दूसरा श्लोक का अर्थ स्पष्ट हो गया। अब इसे आप एक दो बार पढ़ेंगे तो और भी स्पष्ट हो जाएगा।